नमस्कार, मैं मिलिंद कोतपलीवार। ये मेरा छोटा भाई सुहास कोतपलीवार। हम हमारा पेट्रोल पंप वीएम कोतपलीवार पेट्रोल पंप जनता कॉलेज चौक चंद्रपुर, इनकी तरफ से पार्थेश्वर समाचार को एक पहले वर्षगांठ के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामना देते हैं। पार्थेश्वर समाचार ये राजेश भाई नायडू ने एक साल पहले जो लॉन्च किया था, एक निर्भीड़ और निष्पक्ष पत्रकारिता का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसमें किसी भी एक राजकीय दल का इन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत बताया। आगे भी पार्थेश्वर समाचार काफ़ी प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, ये हम शुभकामना करते हैं। और हमारी तरफ से राजेश भाई नायडू और पार्थेश्वर समाचार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। आज चंद्रपुर में पद्माशाली समाज चंद्रपुर की ओर से महाशिवरात्रि महोत्सव और उच्च पदवी और मान प्राप्त करने वाले समाज के भाई बहनों का सत्कार समारंभ मार्कंडेय मंदिर महाकाली मंदिर के पास आयोजित किया गया। इस शानदार कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले या सम्मान प्राप्त करने वाले लोगों का सम्मान सत्कार किया गया। इसमें अरुण चिंतलवार की ज्येष्ठ कन्या शिल्पा मिलिंद आलम का मिसेस इंडिया बनने के लिए, शिल्पा सुनील कुंडावर का मिसेस इंडिया बनने के लिए, शुभम अनिल अडेटवार का एमपीएससी पास करने के लिए, डॉक्टर गौरव चंद्रशेखर अल्लेवार का एमबीबीएस एमडी करने के लिए, मृणाल यंगलवार का 580 मार्क के साथ एमबीबीएस के लिए होने वाली नीट स्पर्धा क्लियर करने के लिए, डॉक्टर लेखी सुरेश पेंदिलवार का एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर पंकज यंगलवार का एमबीबीएस डीएमपी डीएम करने के लिए, डॉक्टर स्वाति पंकज यंगलवार का एमबीबीएस एमडी करने के लिए, डॉक्टर शीतल दिनकर वल कुंडावार का पीएचडी करने के लिए, डॉक्टर ऋषिकेश बदकुलवार का पीएचडी करने के लिए, डॉक्टर सागर बदरीश कुडकेलवार का पीएचडी करने के लिए, डॉक्टर श्वेता प्रशांत घोड़े का पीएचडी करने के लिए और डॉक्टर सुरेश पंडेलवार का पीएचडी करने के लिए सम्मान सत्कार किया गया। पार्थेश्वर समाचार ने इन सत्कार मूर्तियों में से शिल्पा मिलिंद आलम से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा शिल्पा मिलिंद आलम ने। नमस्कार, मैं श्रीमती शिल्पा आडम। आज मिसेस इंडिया बनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। आज 2022 में मैं मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए जा रही हूँ। मैं उसके लिए बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं मेरी तैयारी करवा रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो भारत मेरे लिए जिस प्रकार से मेरे लिए तैयारी करवा रहा है, वो मेरे लिए शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से मैं खुद कठिन परिश्रम ले रही हूँ, वैसे मेरे दी इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं भारत का प्रतिनिधित्व करके उनका नाम रोशन करूँ और मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड को अपने लिए खिताब लेके आऊँ, अपने भारत के लिए।